अगर अनजाने में आपको मुर्दा बोल के दफना दिया जाए और कुछ वक्त के बाद आप जाग जाते हैं और अपने आप को किसी कॉफिन यानी ताबूत के अंदर बंद पाते हैं, आप क्या करेंगे? आप तो जीते जी मर जाएंगे। ठीक इसी प्रकार बहुत घटनाएं घटी हैं जिसको सुन के आपके रूह कांप उठेगा। अगर आप खुद को ऐसी सिचुएशन में पाते हैं तो क्या करेंगे? मैंने आप सबसे सजेशन मांगा था कि कौन सा वीडियो आप देखना पसंद करेंगे और आप लोगों ने इस वीडियो को बहुत वोट दिया था, इसीलिए यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और आपका जान भी बचा सकता है, तो शुरू से आखिर तक बने रहिए। अमेरिका में एक कपल था जिनका एक बच्चा हुआ था, उसका नाम था जैकब जो कि एक लड़का था, पर कुछ दिन बाद ही वह मर गया। इस घटना से उसके माँ जिनका नाम था ऑक्टेविया स्मिथ हैचर, उनको इतना बड़ा सदमा पहुंचा कि बहुत ही बीमार हो गया। धीरे धीरे वो कोमा में चली गई। कुछ दिन बाद डॉक्टर्स ने वो महिला को मृत घोषित किया। उसके पति का सब कुछ चला गया था क्योंकि उसके परिवार में सिर्फ उसका पत्नी ही बची थी। उसके बाद महिला को दफना दिया गया, पर कुछ दिन बाद उसी एरिया में धीरे धीरे कुछ लोग बीमार होने लगा और कोमा में जाने लगा। पर रहस्यमय बात यह था कि वो लोग कुछ दिन बाद धीरे धीरे कोमा से बाहर आने लगे, मतलब यह कोई नया रोग था, और स्वस्थ भी होने लगे। और यह देख के उस महिला के पति का होश उड़ गया। उसने चिल्लाना शुरू किया। उसके अंदर बचा थोड़ा सा साहस को लेकर उसके पत्नी के कॉफिन को मिट्टी के अंदर से निकाला और वो हैरान रह गया। उस महिला के नाखून खून से लथपथ था और कॉफिन के दरवाजे पे नाखून के निशान थे, मतलब उस महिला का होश आया था जब उसको कॉफिन के अंदर दफना दिया गया था। और वो बहुत प्रयास किया था अपने आप को बाहर निकालने का, पर वो हो नहीं पाया। बहुत दुख की बात यह था कि वो महिला जिंदा नहीं बची और उसको फिर से दफनाना पड़ा। ये ऐसे एक घटना नहीं है, ऐसे बहुत सारे घटनाएं हैं। अगर आप खुद को ऐसे सिचुएशन में पाते हैं तो आप क्या करेंगे? पहले तो आप शांत हो जाइए, क्योंकि जितने आप डरेंगे उतना ही ऑक्सीजन आप नष्ट करेंगे। क्योंकि मजे की बात यह है कि कॉफिन के अंदर ऑक्सीजन लिमिटेड है, तो एक गहरा सांस ले और अपने आप को शांत रखिए। अब आप देखिए आपके आसपास कुछ रखा है क्या, जैसे कोई लोहे का चीज, जैसे बेल्ट का मेटल, अंगूठी, ऐसा कुछ भी जो आपको मदद कर सके। अब कॉफिन के ऊपर निर्भर करता है कि आप बाहर आ पाएंगे या नहीं। अगर सस्ता काठ का बना हुआ है तो आपके लिए आसान होगा, जितना महंगा ताबूत होगा आपके बचने के उम्मीद उतना ही खत्म होता जाएगा। कुछ मॉडर्न ताबूत लोहे का भी होता है, अगर आपका ऐसा हुआ तो खेल वहीं पे खत्म। पर फिर भी आपके पास एक ऑप्शन बचा है, वो है SOS। ये एक इमरजेंसी मैसेज की तरह है, कोई भी इमरजेंसी में आप इसे यूज कर सकते हैं। पर ये SOS मैसेज कुछ अलग तरीके से भेजना होगा, जैसे मॉर्स कोड के द्वारा। SOS को अगर हम मॉर्स कोड में परिवर्तित करें तो ये कुछ ऐसा होगा। आपको ताबूत को ठोक के ये आवाज निकालना पड़ेगा। पहले 3 बार जल्दी से टोका मारिए, उसके बाद धीरे धीरे 3 बार टोका मारिए, उसके बाद जल्दी से 3 बार टोका मारना पड़ेगा। ज्यादातर आधिकारिक लोग इसका मतलब जानते हैं और इस मैसेज को आप कभी भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है आप कहीं पे फंस चुके हैं, अगर ऊपर कोई होगा तो आपको मदद मिल सकता है। पर मान लीजिए आप बहुत खुशनसीब हैं, आपका ताबूत लकड़ी का बना हुआ है, तो आप ताबूत के मिडिल को निशाना बनाइए, क्योंकि ये कमजोर हिस्सा होता है। आप बार बार प्रयास करते रहिए और आपका कॉफिन बीच से टूटने लगेगा, और ये काम आपको जल्दी करना होगा क्योंकि आपके पास बहुत ही कम समय बचा है, क्योंकि ऑक्सीजन खत्म होने वाला है। जब लकड़ी टूटता है अब बाहर का मिट्टी अंदर आने लगेगा और उसको आप अपने पैर के नीचे ढकेलते रहिए। उसी दौरान आपको अपना शर्ट या जो भी पहने हुए हैं उसको गले से सिर तक बलून की तरह बांध लेना है, ताकि जब आप ऊपर खोलने लगे तब सांस लेने में दिक्कत ना हो। ऊपर का मिट्टी अभी नरम होगा तो ज्यादा परेशानी नहीं होगा। सिर्फ भगवान से ये प्रार्थना कीजिए कि बारिश ना हुआ हो, क्योंकि अगर बारिश होता है तो मिट्टी इतना गीला और भारी हो जाएगा कि आप ताबूत तो तोड़ लोगे पर बाहर नहीं निकाल पाएंगे। मान लेते आपका नसीब उतना भी खराब नहीं है, तो आप धीरे धीरे मिट्टी को अपने कॉफिन के अंदर नीचे लेके आइए। अब आपको बहुत ही छोटा होना पड़ेगा शरीर से, ताकि आप इधर उधर करके मुड़ सके। ताबूत को तोड़ के बाहर आने के बाद आपको मिट्टी को हटाना है और खोदते खोदते ऊपर तक जाना है। ताबूत को लगभग 3 से 6 फीट अंदर रखा जाता है, तो आपको 3 से 6 फीट मिट्टी को खोदना होगा। पर फिर से और एक परेशानी आ सकता है और वो है ऑक्सीजन।
क्योंकि ये ऑक्सीजन कभी भी आपका जान ले सकता है। किसी भी प्रकार बाहर आने के बाद अब आप जितना मर्जी उत्साह लीजिए, क्योंकि आपका जान बच चुका है। यह पूरा प्रोसेस आपको 40 से 50 मिनट के अंदर करना होगा ताकि आपका जान बच सके। इस दौरान और भी कई चीजें हैं जिसका आपको ध्यान रखना होगा, जैसे अगर आपके पास कोई लाइटर है तो उसको मत जलाइए, क्योंकि वो सारा ऑक्सीजन को जला देगा। उसके बाद आपके पास कुछ नहीं बचेगा। अगर आपके पॉकेट में कोई पर्स है तो कोई कॉइन ढूंढिए, इसके माध्यम से आप उस कॉफिन को तोड़ सकते हैं। इस जैसे घटना को रोकने के लिए इस टाइप के मैकेनिज्म को फॉलो किया जाता है, जहाँ पे आपके कॉफिन के अंदर से एक रस्सी को बाहर एक बेल के साथ जुड़ा जाता है और उसको बजाते ही किसी को खबर मिल जाएगा। ऐसे घटनाएं धीरे धीरे कम होने लगा है। इस टाइप के इंसिडेंट लास्ट 2005 में हुआ था। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो पहला और सबसे बड़ा मंत्र है कि ऑक्सीजन बचाइए। पर फिर भी अगर आप अपने आप को बाहर नहीं निकाल पाते हैं तो ये जो समय है ना, ये सबके लेता है। समय समय पर, सही समय पर, सही तरह से लेता है। इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 50 लाइक्स। तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। आपके मूल्यवान समय देके यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।